एवरीबॉडी, दिस इज अमामा खान. वी आर स्टार्टिंग टुगेदर बिजनेस स्टडी. अब तक के हमने साथ में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि वी हैव हेडेड स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स द बेस. हमें 12th स्टैंडर्ड का मैनेजमेंट का बेस बहुत अच्छे से क्लियर है. हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कितने लेवल्स होते हैं, कौन करता है मैनेजमेंट, कंपनी में मैनेजमेंट को किस तरीके से इंड्यूस किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है मैनेजमेंट की कंपनी के अंदर. तो ये सारी बातें तो हमारी बहुत ज्यादा क्लियर है ना. अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर. नाम क्या है सेकेंड चैप्टर का बताओ? अरे मैम, हमने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा हुआ नहीं खुला है, आप क्या सेकेंड चैप्टर की बातें कर रहे हो? चलो मैं ही बता देती हूं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. पढ़ना तो आ रहा है ना, इंग्लिश तो आती है ना अपने को. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा, प्रिंसिपल मतलब गाइस बताओ, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत कह सकती हूं मैं. अच्छा, किसी भी व्यक्ति का नाम सिद्धांत हो और उनको किसी को उन पे क्रश हो तो प्लीज फॉलो द वर्ड प्रिंसिपल एंड नॉट फोकस ऑन द वर्ड सिद्धांत. ओके चलो, अब ये चैप्टर का सबसे पहले हम सारांश ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं, ताकि हमें क्लियर रहे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे लीड करने वाले हैं और किस तरीके से इस चैप्टर को रैप अप करने वाले हैं. पहली चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है पंडित फियोल की सिद्धांत, पंडित फियोल की प्रिंसिपल्स, पंडित फियोल की प्रिंसिपल्स. उसके बाद हम चर्चा करेंगे पंडित एफ डब्ल्यू टेलर के क्या सिद्धांत है मैनेजमेंट को लेके, ये हम क्लियर करेंगे. उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या अलग सी हट के बातें हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, क्यों फॉलो करना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है, ये हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सेकेंड चैप्टर का, केस स्टडी. केस स्टडी रिगार्डिंग जो भी हम पंडित फियोल और पंडित टेलर के थ्योरी है ना, जो भी पंडित फियोल और पंडित टेलर के प्रिंसिपल है, उनके जो सिद्धांत है उस पे बेस एग्जाम में केस स्टडी बहुत बार पूछी गई है. बच्चे इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए हम आपस में डिस्कस करके लेंगे कि भाई जरूरी क्यों है, मतलब कि कौन से केस स्टडी में, कौन सी सिचुएशन में कंपनी के किसके कौन से सिद्धांत तो यूज होंगे. समझ में आ रहा है? आई नो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्या सिद्धांत, क्या किसकी बातें कर रहे हो मैम. जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का. चलो, अच्छा एक और बात, एफ डब्ल्यू टेलर में ना हम सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ टेलर वो नहीं पढ़ेंगे. टेलर ने हमें एक और चीज सिखाई है कि उन प्रिंसिपल को किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, मतलब कि उन प्रिंसिपल की टेक्निक क्या है अप्लाई करने की सिचुएशंस में, वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब तो क्या हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में? पंडित फियोल की सिद्धांत, पंडित टेलर के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, जरूरी क्यों है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी पढ़ेंगे, और पूरे चैप्टर में जो भी केस स्टडी एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं, उनकी अगर आने की कोई गुंजाइश मुझे लग रही है तो मैं वो भी डिस्कस करके आपसे लूंगी. चलो, अब ये सारी बातें तो मैम समझ गई, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं वो नहीं समझा. कोई नहीं, चलो. ओके, इमेजिन करो आप किसी घने जंगल में खो गए हो. इमेजिन कर पा रहे हो?
करो ना यार, इमेजिन करो कि तुम किसी घने जंगल में खो गए हो, तुम्हें कोई दिशा नहीं पता चल रही है, हर जगह पेड़ पेड़ हरा भरा, अपने को पता ही नहीं कि किस तरीके से जाएं तो अपने को रास्ता मिलेगा, रोड दिखेगी ताकि मैं वहां पे हेल्प ले सकूं। अब अगर उसी सिचुएशन में आपको फुटप्रिंट दिख जाते हैं, आपको फुटप्रिंट दिख जाते हैं, जस्ट टू बी क्लियर, जस्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक, इंसानों के फुटप्रिंट दिख जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप उन्हीं फुटप्रिंट को अपना सहारा बना के उनको फॉलो करोगे? क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको पता नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं कैसे, अगर बढ़ूं तो कौन सी दिशा में आगे बढ़ूं, ताकि मुझे कुछ तो मतलब कोई तो मुझे दिख जाए कि मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दे, कोई मुझे हेल्प मिल जाए। तो आप उसी फुटप्रिंट को फॉलो करने की अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, है ना? उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजर्स के लिए फुटप्रिंट है। वापस वंस अगेन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए फुटप्रिंट है। किस तरीके के फुटप्रिंट? अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है और मैनेजर को कुछ दिशा नहीं मिलती, उनके पास कोई क्लियर थॉट नहीं है, उनके पास कोई क्लियर डिसीजन मेकिंग के लिए थॉट नहीं है, तो वो किसको फॉलो करें, क्या सिद्धांतों पे चलें ताकि उनको इफेक्टिव रिजल्ट आए? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को सिखाता है, समझाता है, बताता है, एक बेसिक आइडिया देता है, एक मॉरल रूल है कि अगर आप कोई इसी भी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं डिसीजन किस तरीके पे या किसके बेस पे लूं, जहां मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा हो कि मुझे इफेक्टिव रिजल्ट, बेटर रिजल्ट मिलने की गुंजाइश हो, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो अपने पंडित टेलर और पंडित फियोल ने बताए हैं उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कोई सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। समझा? क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैनेजर्स अगर इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, सिद्धांत को, मैनेजमेंट के सिद्धांत को अलग सिचुएशन में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कौन सा सिद्धांत यूज करें, कौन सा प्रिंसिपल यूज करें ताकि उस सिचुएशन से बाहर आ पाए और इस कंपनी को सक्सेस या उनके टारगेट तक अचीव करने के लिए बढ़ा पाए, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ऐसे जो अपने पंडित टेलर हैं और जो अपने पंडित फ्योल हैं, इन्होंने ऐसे सिद्धांत किस बेसिस पे बना लिए? क्या ऐसे बेस है कि जो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई ये सिचुएशन में अपन इस तरीके से करेंगे तो अपने को रिजल्ट अच्छा मिलेगा? क्या बेस है? अच्छा, तुम ये तो मानते हो कि हम अपनी गलती से सीखते हैं, हर इंसान अपनी गलती से सीखता है कि नहीं? अभी सपोज मैंने कोई गलती की, ठीक है, तो मैं अब मुझे आगे वो गलती ना रिपीट करने का एक कारण है कि मैंने वो गलती एक्सपीरियंस कर ली है, मुझे पता चल गया उस एक्सपीरियंस से कि भाई बाबा मैंने ये काम गलत किया था, तो अब मुझे नेक्स्ट टाइम पे ये काम इस तरीके से नहीं करना है, क्यों? मुझे पता है कि ये काम अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो आपने जो अपनी अपनी लाइफ का सिद्धांत बनाया कि भाई ये काम इस तरीके से मैं नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ये जो सिद्धांत आपने बनाया है अपनी लाइफ में, ये आपने किससे बनाया है? ऑब्जर्व करके, उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट करके। उसी तरीके से पंडित फयाल और पंडित टेलर ने अब डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रिंसिपल, डिफरेंट सिद्धांत को अप्लाई करके एक रूल बनाया, एक मॉरल रूल बनाया है कि भाई कुछ अगर तुम्हें पता ना चले तो इन रूल को फॉलो करो, तुमको एक डायरेक्शन मिलेगा। अब ये जो रूल है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई तुमको ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई तो तुमको यही रूल अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ बेसिक, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहां आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक बुक है समझ लो, उस बुक में लिखा गया है कि अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से करो तो ये काम आपसे हो जाएगा, सक्सेसफुल आपका काम हो जाएगा, बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है?
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। अब हम पंडित फियोल की क्या प्रिंसिपल है, उनके सिद्धांत को आदर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो मैम, आप इतनी बार फियोल फियोल समरी में भी आपने फियोल के बारे में बताया, बट ये है कौन आखिर? आखिर इनकी चर्चा या इनके बारे में, इनके सिद्धांतों के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये ना फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट है। कौन है? फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट। ये मैनेजमेंट के बारे में इनको बहुत ज्ञान था, ये ज्ञानी रहे, इस वजह से मैं इनको पंडित फियोल कह रही हूँ, ठीक है। नाउ, इन्होंने इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट थियोरीज निकाली है जिसकी वजह से बहुत सारे मैनेजर्स को राह मिली है, उनको एक तरीका मिला है कि किस तरीके से मैं लीड करूं, किस तरीके से मैं कंपनी को सक्सेसफुल बनाऊं, उनके टारगेट्स तक रीच होने में उनकी हेल्प करूं। तो 14th ऐसे प्रिंसिपल की उन्होंने बात की हुई है, 14th प्रिंसिपल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हमारे सामने, जिसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, फियोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है इनके लाजवाब काम की वजह से, ठीक है। नाउ, अब इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल सिद्धांत, इनके जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, इनके इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसके रिलेटेड केस स्टडी पूछी जाती है, तो आपने अगर उनको इन सिद्धांतों को समझा नहीं होगा ना, तो आप केस स्टडी क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क। क्या है? डिविजन ऑफ वर्क। इस नाम से हमें कुछ तो पता चल रहा है कि भाई अंदर क्या होगा, बताओ, कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो क्लियर हो रहा है कि भाई हमें अपने काम को, यानी कि फियोल पंडित, पंडित फियोल कहते हैं बालक, अगर तुम्हें तुम्हारा काम किसी से करवा के लेना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से करवाओ, तो किसी ऐसे व्यक्ति से करवाओ जो इसको, इस काम को करने के लिए कंपीटेंट हो। कौन हो? इस काम को करने के लिए कंपीटेंट हो या क्वालिफाइड हो, या क्वालिफाइड हो या तो फिर एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आपको किसी से काम करवाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से करवाओ जो उस काम को करने के लिए कंपीटेंट हो या क्वालिफाइड हो या एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति से काम करवाया तभी जाके आपका काम जल्दी होगा, यानी कि स्पीड में होगा, सही होगा यानी कि एक्यूरेसी के साथ होगा और स्पेशलाइज तरीके से होगा। समझ आ रही है? एग्जाम में अपने को ये 6 शब्द, ये 6 वर्ड लिख के ही आने हैं, एग्जामिनर को ये वर्ड देख के ही पता चल जाएगा बच्चे को आता है, समझा? क्लियर है? अच्छा, किसी से भी डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि आपको किसी से काम करवाना है तो कोई ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो उसको काम करने को, उस काम को करने के लिए काबिल हो, या उतना पढ़ा लिखा हो, या उतना एक्सपीरियंस हो। इसकी वजह से ही अगर वो व्यक्ति आपके कंपनी में काम कर रहा है तो वो जल्दी करेगा, सही काम करेगा और स्पेशलाइज तरीके से करेगा। क्लियर है? अब जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में पेमेंट कलेक्ट करने वाला बंदा अलग होता है, और चेक कलेक्ट करने वाला बंदा अलग होता है, कैश काउंटर अलग होता है ना, इंक्वायरी का काउंटर अलग होता है। तो मतलब वहाँ पे क्या किया हुआ है, हर एक बंदे को उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार या वो उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको काम दे दिया है। क्लियर है? अच्छा, अगर कैश काउंटर की जगह पे, हिसाब की जगह पे अगर वो वॉचमैन को बिठा दे तो क्या वो काम सही तरीके से होगा? नहीं होगा ना, बहुत झोल झपाटे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? क्लियर है? जा रहा है यहाँ पे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरे प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, बताओ फटाफट, बताओ गाइज इसका मतलब क्या है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अथॉरिटी यानी कि अधिकार कह सकती हूं मैं, अधिकार सही वर्ड होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी
यानी कि जिम्मेदारी जो हम काम देते हैं उसको उस ड्यूटी को जिम्मेदारी से करना यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अच्छा चलो इस चीज को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के लेते हैं। अब एकदम इनके कैरेक्टर और स्टोरी में घुस जाओ, ठीक है? बहुत ही अच्छा ड्राइंग कर रही हूं मैं मेरे हिसाब से। ओके ये है, ये जो थे ये हैं हमारे मैनेजर साहब बड़े वाले, और ये जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको आप देख रहे हैं वो हैं वर्कर्स। कौन है? वर्कर्स या सबॉर्डिनेट, ठीक है? अब ये मैनेजर ने, ये मैनेजर आया, बुलाया, ओ बंटाई लोग इधर आओ, इनको बोला भाई तुमको एक काम करना है और वो काम ये है कि क्योंकि आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो आपको 50 लाख रुपीस की सेल करना है विद इन 20 डेज। ये सुन के जो वर्कर्स थे इनको टेंशन हो गई बहुत ज्यादा। अरे रे बाबा ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, क्या बोल रहे हो आप। इन्होंने फटाक से बोला सर ये पॉसिबल नहीं है, 50 लाख की सेल अगर आपको करनी है तो मिनिमम 30 डेज तो लगेंगे ही। वहीं मैनेजर ने बोला नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता भाई, मेरे को 50 लाख की सेल चाहिए 20 दिन के अंदर। यहाँ पे मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी अपने अधिकार का मिसयूज किया है ना। तो जब आप किसी को किसी की ड्यूटी या उन पे ओवरबर्डन काम करवा देते हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ज्यादा थोप दे रहे हो, मतलब कि आप अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये वर्ड बहुत ही ध्यान से समझ लेना, आपको ये एग्जाम में मेंशन करना ही करना है। मैम कौन सा वर्ड की बात कर रहे हो, बता रही हूं पैरिटी। क्या वर्ड लिखा मैंने? पैरिटी। अब ये वर्ड का मतलब क्या है मैम, समझ में नहीं आया? समानता। क्या कहना चाह रहे हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में समानता होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कोई भी ड्यूटी किसी वर्कर या सबॉर्डिनेट को देते हो तो वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। और जो अथॉरिटेटिव बंदा है या समझ लो मैनेजर है जिसके पास ड्यूटी असाइन करने की पावर है वो उस पावर का मिसयूज करेगा, है कि नहीं। तो पैरिटी होना चाहिए, देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में मेंशन किया हुआ होना चाहिए, एग्जामिनर को पता लगने दो कि तुमने पढ़ा है। समझ आ रही है? चलो ये भी अब हमारे दिमाग में क्लियर है, समझ में आ रहा है ना अब तक की जो बातें हमने बताई है, समझी है, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे तीसरा तीसरा प्रिंसिपल, तीसरा सिद्धांत फ्योल क्या बताते हैं, डिसिप्लिन। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, याद आ रहा है? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये वही अनुशासन है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ओके, अगर आप कोई काम डिसिप्लिन तरीके से करते हो, एक बहुत ही प्रॉपर वे में करते हो, तो आपका काम इफेक्टिवली होगा। कंपनी बहुत ही स्मूथ और सिस्टमैटिक तरीके से रन की जा सकती है अगर उस कंपनी में डिसिप्लिन है तो, है कि नहीं, सही है या नहीं? टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, सारा काम और जितने भी आपके आपसी रिलेशनशिप है मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट के बीच, वर्कर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छा बिल्ड होता रहेगा डिसिप्लिन की वजह से। अब जैसे मैनेजर्स ने अनाउंस किया कि ओवर टाइम जो लोग करेंगे उनको ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा,
ठीक है, ये बात उन्होंने कही। तो जो का अब ये जो डिसिप्लिन है यहाँ पे दो लोगों पे लागू हो गई, वर्कर्स पे भी लागू हो गई और मैनेजर पे भी लागू हो गई। वर्कर्स पे कैसे, कि भाई अगर आप ओवर टाइम में काम कर रहे हो तो आपको सही तरीके से काम करना है, अक्यूरेसी के साथ काम करना है, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि आप ओवर टाइम के चक्कर में बैठे हो, काम वाम तो कर नहीं रहे हो, ऐसे आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा तो वो वाजिब नहीं है, सही नहीं है। और मैनेजर पे क्या ड्यूटी या क्या डिसिप्लिन लागू हो जाती है, वो ये है कि आप अपने प्रॉमिस पे खरे उतरिए। क्या है कि वो आप अपने प्रॉमिस पे खरे उतरिए। अगर आपने कहा है कि आप ओवर टाइम का ये अमाउंट पे करेंगे, तो जो लोग उस ओवर टाइम को कर रहे ओवर टाइम कर रहे हैं कंपनी में, तो आपको उनको पैसा देना बनता है। क्लियर है, डिसिप्लिन हमें समझ में आ चुका है। अभी नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल, चौथा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब क्या, किसी को ड्यूटी देना कमांड होता है ना। अब सपोज एक वर्कर था, ठीक है, वो काम कर रहा था, सेल्स एग्जीक्यूटिव था वो। क्या था वो बंदा सेल्स एग्जीक्यूटिव में था। अब मार्केटिंग मैनेजर आया उसके पास, और मार्केटिंग मैनेजर ने, एमएम समझ लो, मार्केटिंग मैनेजर आया उसके पास और मार्केटिंग मैनेजर ने बोला, बेटा देखो अपने प्रोडक्ट बिक तो रहे नहीं है, तो एक काम करो तुम उन प्रोडक्ट्स पे 10% डिस्काउंट दे दो। कितना, 10% डिस्काउंट दे दो, एटलीस्ट अपना सर्वाइवल हो जाए, लॉस ना हो कंपनी को, ठीक है। वहीं दूसरी ओर से कौन आया, फिनेंस मैनेजर आया। कौन आया, फिनेंस मैनेजर, एफएम समझ लो। वो आया सेल्स एग्जीक्यूटिव के बाद और बोलता है, देख भाई कंपनी में ना फंड की बहुत कमी है, तुम 5% से ज्यादा डिस्काउंट मत देना, 5% से ज्यादा डिस्काउंट मत देना, क्योंकि कंपनी को पैसा पैसा पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और पैसे की कमी है। एंड मनी इज द ब्लड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मनी इज ब्लड। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव किसकी बात मानेगा, सोचो, सेल्स एग्जीक्यूटिव ये जो बंदा है ये किसकी बात मानेगा, मार्केटिंग मैनेजर की बात मानेगा या फाइनेंस मैनेजर की बात मानेगा। अगर वो मार्केटिंग मैनेजर की बात मानता है तो भाई फाइनेंस मैनेजर को बुरा लग जाएगा। अब तो क्या होगा, आगे सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिलेशन फाइनेंस मैनेजर की तरफ से खट्टा पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसके कंपनी में आगे सर्वाइवल के चांसेस या सही तरीके से अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के चांसेस हिट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यूनिटी ऑफ कमांड वही बोलता है कि हमेशा अब एक ही बॉस से आपको ऑर्डर रिसीव होने चाहिए। किससे, एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करो। आपको ऑर्डर देने वाला जो सुपीरियर है वो एक ही होना चाहिए, ना कि दो। समझ में आ रहा है, अगर ये सिचुएशन हो जाती है, ये जो अभी हमने ये जो सिचुएशन की बात की है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कंपनी में, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जिसकी वजह से कंपनी का एनवायरमेंट बहुत ही डिसहार्मनी या पीसफुल तरीके से रन नहीं होगा। इसको अवॉइड करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड इंट्रोड्यूस किया गया, जो कहता है कि आपका बॉस एक ही होना चाहिए, आपको ड्यूटी देने वाला बंदा एक ही होना चाहिए, ना कि दो या दो से ज्यादा। क्यों, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट सिद्धांत क्या है, सीखते हैं। चलो अब तक चार पढ़ लिए हमने, पहला क्या था बताओ, अब तक हम चार पढ़ चुके हैं, पहला क्या था, बोलो 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 फटाफट फटाफट, 14 प्रिंसिपल में से चार हो गए हैं, बताओ, कम ऑन, डिविजन ऑफ वर्क, वेरी गुड। नेक्स्ट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शाबाश। थर्ड डिसिप्लिन, वेरी गुड। फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी गुड। नाउ
नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. चलो, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है हमारा फिफ्थ सिद्धांत, फिफ्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ एक्शन, सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब दिशा. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बोलता है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचने के लिए आपकी जो डेस्टिनी है वो एक ही होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी बाइक्स भी बनाती है और कार्स भी बनाती है, बाइक भी बना रही है और कार भी बना रही है, तो कार बनाने वाली टीम या इंचार्ज या एम्प्लॉइज अलग होने चाहिए. क्यों? क्योंकि उनके गोल्स अलग है. उनके गोल्स क्या है? कार के बारे में सोचना, कार को किस तरीके से मार्केट करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह. तो उनका कॉमन गोल एक जैसा, एक वे में होना चाहिए. इनके इंचार्ज अलग होने चाहिए, इनके मैनेजर्स अलग होने चाहिए, इनकी टीम ही अलग होनी चाहिए. हालांकि बाइक अगर आपका कॉमन गोल दूसरा है तो दूसरे गोल के लिए दूसरी टीम होने चाहिए, दूसरे इंचार्ज होने चाहिए, दूसरे मैनेजर होने चाहिए. अगर आपने अपना एक कॉमन गोल नहीं रखा है और आपने दोनों स्ट्रीम्स के लिए एक ही टीम असाइन की है तो उनके एफर्ट्स डुप्लीकेट हो जाएंगे. उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वेस्टेज बहुत होगा. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि आपका एक गोल है तो उस एक गोल तक पहुंचने के लिए टीम अलग होनी चाहिए. अगर आपकी वो टीम अलग है तो उनके जो एक्शंस है ना वो बहुत ही यूनिटी के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए बढ़ेंगे, ना ही उनके बीच में कंफ्यूजन होगा और ना ही उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी. क्लियर है? समझ में आ रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, तुमको इन दोनों का ना डिफरेंस बता देती हूं मैं. चलो, यूओसी यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूओडी यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस बारे में इन दोनों को कंपेयर कर रही हूं. ठीक है? अब यूओडी इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूओसी इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या सीखा कि एक बॉस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वन बॉस. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने क्या सीखा? वन हेड वन प्लान. मतलब कि एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए एक टीम होना चाहिए, इंचार्ज होने चाहिए, एक ही मैनेजर होना चाहिए. मतलब कि ग्रुप अलग होना चाहिए. ठीक है? नहीं. यूओसी यूनिटी ऑफ कमांड, यूओडी इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. कंफ्यूज नहीं होना, बस अब मैं जो बता रही हूं उसको समझो और यहां बिठाओ. ठीक? अब यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या सीखा? एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करना है सबऑर्डिनेट को. क्या सीखा? एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करना है सबऑर्डिनेट को. यानी कि वन बॉस UOD से हमने क्या सीखा? वन प्लान वन हेड. एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक टीम अलग होनी चाहिए. अगर आपकी कंपनी में दो गोल्स हैं, जैसे हमने बात की थी बाइक भी बना रही है कंपनी, कार भी बना रही है, तो दो प्रोडक्ट हैं, दो स्ट्रीम्स हैं, तो उन दोनों स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग टीम होनी चाहिए. वन प्लान वन हेड. क्लियर? नाउ यूओसी में यूनिटी ऑफ कमांड किसको अफेक्ट करेगी? इंडिविजुअल एम्प्लॉई को
है ना, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा मैं किसको ओबे करूं, किसकी बात मानूं आखिर, है ना। तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट होगा, क्लियर है। यहां पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट होगा। कैसे? उसी कंपनी में दो स्ट्रीम्स हो गए ना, तो अगर आप उन दोनों स्ट्रीम के अलग अलग काम एक ही टीम को दे रहे हो, तो उनके पास पहली बात तो काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा मैं कौन से गोल को अचीव कब तक करूं, किस तरीके से आगे बढ़ूं, जिसकी वजह से आपस में उनके कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्लियर है। तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट होगा। हालांकि अगर आप दोनों टीम दो स्ट्रीम के लिए दो अलग टीम कर देते हो, दो अलग मैनेजर कर देते हो, उनकी मैनेजर एक्टिविटीज को ही अलग कर देते हो, तो एक स्ट्रीम का मैनेजमेंट एक्टिविटीज दूसरे स्ट्रीम को अफेक्ट नहीं होगी, है ना, क्योंकि आपके एफर्ट्स डुप्लीकेटेड नहीं है, आपस में साथ में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। अब अगर यूओसी फॉलो होता है, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड कंपनी में फॉलो किया जाता है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा और क्या हमने सीखा था, हार्मनी मेंटेन होगी कंपनी में, है ना, डिसिप्लिन तरीके से काम होगा, है कि नहीं, क्लियर है। अब वही अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इस रूल को फॉलो किया गया, इस सिद्धांत को अगर कंपनी में फॉलो किया जाता है, तो कोऑर्डिनेशन आपका एम्प्लॉयज में मैनेजर में बहुत अच्छा तगड़ा बैठेगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कंपनी की बेहतर रहेगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं रहेगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, समझ में आया। यूओसी एंड यूओडी, बात क्लियर है, इसका डिफरेंस देख लो, चाहिए तो बुक में कहीं लिख लो, तुम अगर जब आगे इसको पढ़ोगे और तुमको मेरी कही हुई बातें याद ना नहीं आएंगी, तो आपका जो लिखा हुआ है ना, वो आपको फटाफट फटाफट याद दिलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई एम कीपिंग दिस हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 मिनट्स, नॉट 2 मिनट्स, 30 सेकेंड्स, फटाफट लिखो। अब तक जो सिखाया है वो बातें क्लियर है? तुम लिखते जाओ, मैं बोलते जाती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ। अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा, उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बोलो फटाफट। अच्छा मत बोलो, फाइन, समझा मुझे तुम लिख रहे हो, रिलैक्स, ओके, आई एम रिपीटिंग फॉर यू। ओके, क्या पढ़ा था हमने? थर्ड वाला याद करो, तुमको ये तो याद नहीं करना, मुझे ही याद करना है, ठीक है। ओके, थर्ड वाला हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, वर्चुअल वालों, वो तुम तो बताओ यार, क्या पढ़ा था हमने थर्ड वाला? याद नहीं आ रहा है, दिखाऊं? ठीक है, चलो, थर्ड हमने क्या पढ़ा था? डिसिप्लिन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, याद आया? ये देखो, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और फिर हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफ्रेंसिएशन, क्लियर है। चलो, अब सिक्स्थ सिद्धांत पढ़ेंगे, सिक्स्थ सिद्धांत। चलो, सबका ध्यान स्क्रीन पर, ओके, आहा हा, ये थे नंदू, कौन थे? नंदू, ये एक कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब इनके पापा के ससुर के वाइफ के बेटे की शादी थी, इनके पास न्योता आया था, इनको ऐसा लगा कि यार मेरा शादी में होना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कंपनी के पास गए, उनको नंदू को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि कंपनी का सेल पीरियड बहुत ही हाई चल रहा है, धमाकेदार सेल हो रही है, अगर मैं छुट्टी ले लेता हूं या अगर एक आदमी भी उस सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं आता है तो बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो जाएगा, बहुत झोल झपाटे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, उस सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेल की जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई है, मैनेज करने में लोग कम पड़ जाएंगे, है ना। तो अब मुझे ये बताओ,
सवाल ये है कि नंदू को छुट्टी लेनी चाहिए शादी के लिए या नहीं लेनी चाहिए। शादी अपनी तो है नहीं, शादी तो किसकी है, नंदू के पापा के ससुर के वाइफ की बेटे की शादी है। तो बताओ नंदू को छुट्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हाँ सेल्फिश बच्चों, तुम अभी यही सोच रहे होगे कि नंदू को तो छुट्टी लेनी चाहिए, नंदू काम करता है, उसका बनता है छुट्टी लेना, माना। लेकिन जो कंपनी में वो काम करता है वो कंपनी के पैसों से ही तो नंदू की रोटी चल रही है ना, नंदू के घर की रोटी तो कंपनी के पैसों से ही चल रही है ना। तो कंपनी के बारे में सोचना, कंपनी के हित में सोचना नंदू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, बताओ। है ना कहीं हिट हुई ना बात की नहीं हुई। तो जो हमारा छठवां प्रिंसिपल है, जो हमारा छठवां सिद्धांत है, वो यही बोलता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप कंपनी के साथ जुड़े हो, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, माना। कंपनी प्रॉफिट भी आपके द्वारा ही अर्न कर पा रही है, माना। तो आप कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में भी थोड़ा सोच लो, क्यों, क्योंकि कंपनी भी आपके बारे में सोचती है ना। आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करके कंपनी के हित में, कंपनी के रुचि में सोचना, ये हमारा छठवां सिद्धांत बताता है। क्या है वो? शिफ्टिंग या सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या अपने को बात? अब इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते हैं इनके सैक्रिफाइस से, ये एम्प्लॉयज के सैक्रिफाइस से ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाते हैं। अब अगर कोई कंपनी, अगर कोई एम्प्लॉयज किसी कंपनी के बारे में सोच के वो अगर लीव नहीं लेता तो कंपनी भी कहीं ना कहीं कंसीडर करेगी ना उसकी सैक्रिफाइस, ऑब्वियसली, है कि नहीं। ये जो सिद्धांत है ये किस पे लागू हो रहा है? एम्प्लॉयज पे। ये सिद्धांत किस पे लागू हो रहा है? एम्प्लॉयज पे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट सिद्धांत क्या है हमारा? रेमुनरेशन मतलब जो हम काम या सर्विस के लिए जो पैसा पे किया जाता है ना, उसको कहते हैं रेमुनरेशन। मतलब समझ लो सैलरी या वेजेस। ये जो मीनिंग है, ये जो मैं कह रही हूं, ये जो मैं डायग्राम बना रही हूं आपको पढ़ाते टाइम, ऐसे सिर्फ अपना दिमाग नहीं ऑपरेट करना है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा अरे मेरा मेमोरी पावर तो बहुत अच्छा है, मैं तो सब याद रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अपने बुक में ये सारी चीजें ब्रैकेट में जो मैं लिख रही हूँ समझाते टाइम, जो डायग्राम बना रही हूँ, वो लिख लो, बना लो। तुमको जब तुम बुक खोलोगे तुमको फटाफट क्लिक होगा, एकदम फटाफट रिकलेक्ट होगा कि भाई मैम ने इस टॉपिक में ये एग्जाम्पल देके ये पढ़ाया था। समझ आ रहा है? प्लीज कोऑर्डिनेट, अपने दिमाग के साथ हाथ भी चलाओ। चलो, रेम्यूनरेशन मतलब हमने समझ लिया सैलरी या वेजेस। अब मुझे ये बताओ, रेम्यूनरेशन जो कंपनी देगी वो फेयर होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए? चलो मैं बताती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंपनी है, एम्प्लॉय आया, हायर मतलब एम्प्लॉय आया, उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान कंपनी को ये पता चला, भाई ये जो बंदा है ना हालातों का मारा है, ये बंदा हालातों का मारा है। मुझे पता है कि मुझे इसको देना चाहिए कितना, 12,000 रुपये। मुझे पता है कि इसको मुझे देना चाहिए बंदे को 12,000 रुपये, लेकिन ये हालातों का मारा जितना लग रहा है ना, इसको अगर मैं 5,000 रुपये भी दूंगा ना तो भी ये मेरी कंपनी के लिए काम करेगा, क्योंकि इसकी सिचुएशन बहुत टाइट है। तो अगर मैं इसको 5,000 दूंगा ना तो उससे क्या मेरी सेविंग हो जाएगी, मेरे जो 7,000 रुपये किसी और एम्प्लॉय को मैं हायर करता हूं तो उसको मैं एक्स्ट्रा जो 7,000 रुपये देता हूं वो मेरे बच जाएंगे, इससे मेरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहां पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उस एम्प्लॉय का हक मार रही है, कंपनी उस एम्प्लॉय का हक मार रही है। तो क्या ये वाजिब है, मतलब कि क्या ये सही है? नहीं। अभी तुम समझ रहे हो इस चीज को, फेयोल ने ये जो हमारा छठवां प्रिंसिपल था, हमारा जो ये वाला जो हमारा छठवां प्रिंसिपल था, इसमें किसके ऊपर ये प्रिंसिपल लागू हो रहा था? एम्प्लॉई पे, कि भाई तुम अपने बारे में तो हमेशा मत सोचो, कभी तो अपनी पर्सनल नीड को थोड़ा सैक्रिफाइस करो कंपनी के लिए। वहीं
फेयोल ने दूसरा भी सिद्धांत निकाल दिया, कंपनी इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि भाई हमेशा जो एम्प्लॉय है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। आपको भी, कंपनी को भी एम्प्लॉय के बारे में सोचना है, आप एम्प्लॉय का हक नहीं मार सकते। तो ये जो रेम्यूनरेशन सिद्धांत है ये किस पे लागू हो रहा है? रेम्यूनरेशन का सिद्धांत कंपनी पे लागू हो रहा है। किस पे लागू हो रहा है गाइस? कंपनी पे लागू हो रहा है। कितने दिमाग से फेयोल ने ये प्रिंसिपल्स निकाले हैं, समझ रहे हो? हर एक एस्पेक्ट में सोचा है फेयोल ने कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इससे बेटर दोनों के लिए सिद्धांत बना दो ताकि दोनों अपनी अपनी जगह सही तरीके से काम करें और कंपनी स्मूथली रन हो। इसीलिए तो फेयोल को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताओ? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्लियर है? अच्छा, अगर कंपनी प्रॉपर या सही फेयर रेम्यूनरेशन देती है तो एम्प्लॉय खुश रहेगा, डेडिकेटेडली कंपनी में काम करेगा, क्योंकि उनके काम से ही तो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर कभी भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो कहीं ना कहीं उसको पार्ट ऑफ प्रॉफिट को, उस कंपनी के पार्ट ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन एम्प्लॉयज, अमंग्स एम्प्लॉयज, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज अ बोनस? अगर आप ऐसा करते हो या अगर कोई कंपनी एज अ बोनस कभी भी अपना ज्यादा अर्न किया हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं, उनका दिल बाग बाग हो जाता है और उनकी जो डेडिकेशन है ना काम करने की वो इम्प्रूव हो जाती है, उनका जो कमिटमेंट है काम करने का, उनका जो कंपनी से जोड़ है ना वो अच्छा हो जाता है, एकदम फेविकॉल की तरीके। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? समझ आ रहा है? अब तक 7 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, अब सीखेंगे 8 प्रिंसिपल। अच्छा, उससे पहले तुमको याद आ रहा है हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, याद आ रहा है? अच्छा चलो, ये डायग्राम देख के आई होप कि याद आ जाए। याद आ गया? वेरी गुड, शाबाश। चलो अब इसका फिल इन द ब्लैंक करो। टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर बीच में कौन था? लोअर, सॉरी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड लास्ट में लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या था बताओ? जल्दी बताओ क्या था फटाफट। ऑपरेशनल लेवल। क्या था? ऑपरेशनल लेवल। मैम यार लोअर लेवल बता दिया, वो उसमें ऑपरेशनल लेवल क्यों बता रहे हो? क्या जरूरत है? एग्जाम में अगर पूछ लिया ना व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेशनल लेवल, तुमको पता तो होना चाहिए ना कि भाई ऑपरेशनल लेवल क्या है। When you know it, ये तो लल्लू बना रहे हैं हम लोग को, ऑपरेशनल लेवल ही तो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, then you can write it फटाफट, है ना? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक, ठीक है? अब इमेजिन करो अगर यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं होता, लोअर लेवल मैनेजमेंट नहीं होता, तो कैसे काम होता कंपनी में? मतलब समझो कि अपनी कंपनी में ना सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बताती हूं मैं, रुको। नी कंपनी में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसको मैं यहां पे इधर बना के बता देती हूं ताकि अपने को क्लियर समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, ठीक है? अपनी कंपनी में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये रहा टीएम। मतलब कि व्हेन आई एम सेइंग कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ किसके पास है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, और किसी के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी में ना ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना ही लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है? अब तक की, यहां तक की तो बात क्लियर है। नाउ कंपनी के हर डिसीजन कौन लेगा? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, है ना? कुछ भी हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही आने का, वही रिजॉल्व करके देंगे। कोई भी कंप्लेन है, कुछ भी, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, मशीन खराब हो गई है, कुछ भी हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही आने का। क्यों? क्योंकि कोई और अथॉरिटी नहीं है, किसी और के पास डिसाइड करने की, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो इमेजिन करो अगर कंपनी में, अगर कंपनी में क्योंकि 2 महीने से उस फैक्ट्री में मशीन की मेंटेनेंस नहीं हुई थी तो मशीन खराब हो गई, अब नाउ वर्कर्स
किसको जाके बोलेंगे कि भाई मशीन को मेंटेन कराना है, ये मेंटेन कर, मशीन मेंटेन कराने का अप्रूवल किसके पास से लेंगे? इस सिनारियो में, ये जो अपने पास सिनारियो है, इस सिनारियो में किसके पास से लेंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही लेंगे ना, क्योंकि और किसी के पास तो वो जा ही नहीं सकते, कोई और उनको इजाजत दे ही नहीं सकता, कोई और उनको अप्रूवल दे ही नहीं सकता, है ना, इतना तो क्लियर है। नाउ अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास क्या इतनी तुच्छ बातों का डिसीजन लेने के लिए टाइम है क्या? उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत बड़ी 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 डिस्कशन, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने लेने की क्या बोलते हैं लेने का पावर है, और उसके पास टाइम नहीं है इन सारी छोटी बातों पे ध्यान देने का, है ना। तो मशीन को रिपेयर आप जब तक नहीं कराओगे तब तक कंपनी का काम रुक गया ना, वर्कर्स अब आइडल बैठेंगे, उनको जो अब पैसा जा रहा है आइडल बैठेंगे, यानी कि ऐसे ही मतलब बिना काम के बैठेंगे, तो उनको जो महीने का पैसा जा रहा है, पगार जा रही है, सैलरी जा रही है, वो कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं। तो अगर आपकी अथॉरिटी, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कंपनी में किसी एक ग्रुप को या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को दे दी जाती है, तो उसका हर चीज या हर मैटर में, हर जगह पे, हर एस्पेक्ट में डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम कम पड़ जाता है, कौन से मैटर इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, पहले ये समझो, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। अब वहीं अगर अपनी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी है, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी है, अपनी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी है, तो बताओ सब चीज अच्छे से मैनेजमेंट के साथ चलेगी कैसे, वो बताती हूं। अब यहां पे आपने अपनी पावर, अपनी जो अथॉरिटी है कंपनी में, जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। क्या कर दी है? डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ये रहे टॉप लेवल मैनेजमेंट, इन्होंने ये पावर किसको दे दी कि भाई कुछ पार्ट ऑफ जॉब उन्होंने उस कुछ पार्ट ऑफ जॉब जिसके बारे में उनको कंपनी के हित में डिसीजन लेना था, उन्होंने वो पावर अपने से अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजर्स को दे दी। ये रहे हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स, MM, दिख रहा है ना? यस, ये रहे हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, रिसोर्सेज को संभाल रहे हैं, ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं, ये सारा काम उनका है। अब वो वर्कर से तो डायरेक्ट डील करेंगे तो बहुत सारे काम उन पे भारी हो जाएंगे, बर्डन हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी में एक और ग्रुप को अपना काम डेलीगेट कर दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब कि अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है, यहाँ पे पावर जो है ना, अथॉरिटी जो है ना, वो सब डिवाइड हो रही है, सब अलोकेट हो रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने काम किसको दिया, थोड़ा काम अपनी जॉब का, थोड़ा काम इन पे डाल दिया। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने अपनी जॉब का थोड़ा काम लोअर लेवल मैनेजमेंट को डाल दिया। अब क्या होगा कि वर्कर्स को कोई इशू रहे तो किसको, किसके पास जाने का, अपने को, वर्कर्स को अगर कोई इश्यू हुआ पर्सनली तो किसके पास जाना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। उनके पास भी एक अप्रोच करने के लिए बंदा बैठा हुआ है। अगर वर्कर्स को भी लगता है कि भाई मुझे कुछ अर्जेंट हॉलिडे वगैरह चाहिए, या मैं बीमार हूँ, या एक्सीडेंट हो गया, कोई भी रीजन से, मैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, उनको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, मुझे सोल्यूशन तभी का तभी मिल जाएगा। अगर वही ये वाला सीन होता टॉप लेवल मैनेजमेंट के जाके उनसे परमिशन लो वगैरह वगैरह, तो बहुत ही वक्त लग जाता, बहुत ही मिसमैनेजमेंट से चीजें चलती। यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लोगों को कुछ डिसाइड करने की पावर दे रखी है, लोगों को डिसाइड करने की पावर दे रखी है अलग अलग लेवल पे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन।
तो हमारा आठवां सिद्धांत जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वंस अगेन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में आप अपनी पावर एक जगह पे रखते हो, एक इंसान के पास रखते हो या तो एक ग्रुप के पास रखते हो, वहां पे डिसाइड करना, क्विक डिसीजन लेना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं अगर आप अपने पावर को, अपनी अथॉरिटी को कंपनी में डेलीगेट कर देते हो, यानी कि अब सब डिवाइड कर देते हो या तो सब अलोकेट कर देते हो, तो वहां पे क्विक डिसीजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंपनी इफेक्टिवली रन करेगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर है, गॉट इट, वेरी गुड। नाउ लेट्स लर्न नाइन्थ प्रिंसिपल। नाइन्थ प्रिंसिपल क्या है हमारा, स्केलर चेन। इसमें पंडित फ्योल क्या बात करते हैं, ये डायग्राम से हम थोड़ा समझ के लेते हैं। ये है हमारा इनकम्प्लीट ट्राइंगल, सबसे टॉप पे है हमारे ए, ठीक है, उनके अंडर काम कर रहे हैं बी, ठीक है, मतलब बी इज अ सबॉर्डिनेट ऑफ ए एंड ए इज अ मैनेजर ऑफ बी। समझ में आ रहा है, ओके। नाउ बी के अंडर हैं सी, सी के अंडर हैं डी और डी के अंदर हैं ई। अच्छा, बी और एफ, बी और एफ दोनों सेम लेवल पे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एफ ए के अंडर है और बी के बराबर है, मतलब कि सेम लेवल पे है। देन एफ के अंडर है जी, एच एंड देन आई, ओके कूल, ठीक है। अब स्केलर चेन क्या बोलती है और किसके बारे में बात कर रही है, ये बात कर रही है कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी। किस, कौन से दो तत्वों के बारे में बात कर रहा है स्केलर चेन, कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी। क्या कहता है पंडित फ्योल, कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी अथॉरिटी का एक ऑर्डर लाइन होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए। आप ऐसे ही कोई भी बंदा अपने टॉप मैनेजर से जाके डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, एक फ्लो में कम्युनिकेशन पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोअर लेवल, हमने पता है पढ़ा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, अगर लोअर लेवल मैनेजर्स को कोई भी कंप्लेन पास करनी होती है या किसी भी बात की कोई भी कंप्लेन करनी होती है, तो वो पहले किसको अप्रोच करेगा, हमने बात की थी इस बारे में, याद करो, किसको पहले अप्रोच करेगा, अपने सुपरवाइजर को, है ना। वर्कर जो प्लेटफॉर्म एरिया में है उनको अगर कोई भी कंप्लेन होगी वो किसको अप्रोच करेंगे, लोअर लेवल मैनेजर को। लोअर लेवल मैनेजर अगर हैंडल कर पाया तो ठीक, वहां पे बात खत्म हो जाती, अगर नहीं मैनेज कर पाया तो वो किसको पास करेगा, जल्दी बताओ, मिडिल लेवल मैनेजर को। एंड देन दिस वे वो इंफॉर्मेशन या वो कंप्लेन ऐसे ऊपर जाती जाएगी, ठीक है। हर जो भी इस फ्लो में जो भी अपने एंड से मैनेजर उस सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है वो करेगा, अगर नहीं कर पा रहा है तो वो अपर लेवल को या अपर मैनेजमेंट लेवल को पास ऑन कर देगा, क्लियर है। उसी तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन आप डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं कर सकते हो, एक हायरार्की फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पे ये जो सी है, सी को अगर रिपोर्ट सेंड करनी है जी को, किसको सेंड करनी है, जी, ये वाले सी को रिपोर्ट सेंड करनी है जी को, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या जी को रिपोर्ट सेंड कर सकता है, जी को जान दो, अगर सपोज इमेजिन कर लो जी को छोड़ दो, अगर उसको रिपोर्ट, चलो ए को सेंड करनी, किसको, ए को सेंड करनी, इतना घुमा के नहीं लेते, ए को सेंड करनी, ठीक है, टॉप लेवल पे जो सबसे ऊपर है। अब क्या वो रिपोर्ट सेंड कर सकता है ऊपर डायरेक्ट, डायरेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि स्केलर चेन में पंडित फ्योल क्या बोल रहे हैं कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक फ्लो में लेके जानी है, एक हायरार्की में लेके जानी है, तो ये रिपोर्ट सबसे पहले बी को किसको पास करनी होगी, सी को किसको पास करनी होगी, बी को,
बी फिर रिपोर्ट पास करेगा ए को। समझ आ रही है? क्लियर है? पक्का? इससे क्या फर्क पड़ रहा है मैम? ये जो हम कर रहे हैं, इतना जो हमने तामझाम किया कि हम पहले बी के पास जाएं, फिर बी को सही लगेगा तो वो ए के पास जाएगा, ये क्यों, जरूरत क्या है? इससे क्या हो रहा है कि आप की जो मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है। जो सुपरवाइजर है, मतलब आपके ऊपर का जो मैनेजर है, उसको इग्नोरेंस फील नहीं होगा कि भाई यार मुझे तो उस काम में इन्वॉल्व ही नहीं किया। उसको भी लगेगा कि भाई हाँ, मुझे काम में इन्वॉल्व किया है, मेरी कुछ ना कुछ तो रिस्पेक्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, सबॉर्डिनेट मेरा कहना मानते हैं। तो इनका इस वजह से बॉन्ड जो है, जो इनका आपस में जो रिलेशन है वो कॉर्डियल तरीके से मेंटेन रहेगा, है कि नहीं? समझ आ रहा है? जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे तरीके से स्मूथली रन होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर सी को बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी है और उसको जी से बात करना है, किससे? जी से। ये बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी और सी को जी से बात करनी है, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, कैसे? पंडित फियोल बोलते हैं, पंडित फियोल ने स्केलर चेन की थ्योरी में एक शॉर्टकट निकाला है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई सेम लेवल पे है, कोई भी एम्प्लॉई अगर सेम लेवल पे है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने से ऊपर जो सुपरवाइजर है उससे एक बार आप पूछ लो और सेम लेवल के डिपार्टमेंट पे या सेम लेवल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर सी को जी को रिपोर्ट देनी होगी तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। क्या बोल रहे हैं? गैंग प्लैंक। ये क्या है? शॉर्टकट है। बट ये जो शॉर्टकट है, ये जो गैंग प्लैंक है, ये कब अप्लाई होगा? दोनों एम्प्लॉइज अगर सेम लेवल पे हो। अगर सी को रिपोर्ट सेंड करनी हुई एच को, तो क्या वो कर सकता है गैंग प्लैंक के थ्रू? नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एच इज ऑन डिफरेंट लेवल। एच इज ऑन डिफरेंट लेवल। हाँ, अगर डी को एच से बात करनी है, डी को अगर एच से कम्युनिकेट करना है, तो वो कर सकता है? हाँ, कर सकता है। क्यों? क्योंकि एच और डी दोनों सेम लेवल पे हैं। इससे क्या होगा? अच्छा, ये शॉर्टकट क्यों निकाला? क्योंकि क्विक डिसीजन आ जाए। इन दोनों का जो काम है, जो सेम लेवल के एम्प्लॉई, उनका जो काम है, अगर वो इंटरडिपेंडेंट काम है तो वो ना रुके, जिससे एफिशिएंसी एम्प्लॉय की बढ़ेगी। ठीक है, दोनों आइडल नहीं बैठेंगे। अगर एक दूसरे की उनको हेल्प चाहिए, अर्जेंसी है, तो वो उनका जो रिलेशन है बात करके सुलझ जा सकता है। अगर वही चीज वो हायरार्की फॉलो करेंगे, वो एक दूसरे से बात करेंगे, मतलब यू नो, सी टॉकिंग टू बी, बी टॉकिंग टू ए, देन ए टॉकिंग टू एफ, एंड देन एफ कमिंग टू जी, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और इनका अर्जेंसी का काम फेल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? टेंथ प्रिंसिपल, ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर हमारा ये टेंथ प्रिंसिपल है। अब ये क्या कहता है? फियोल ने कहा है कि हर इंसान और हर चीज की सही और फिक्स प्लेस होनी चाहिए। क्या बोला है फियोल ने? कि हर इंसान और हर चीज की कंपनी में एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, ताकि कंपनी के काम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो। क्या एग्जाम्पल से अपन ये चीज समझते? सपोज ये एक कंपनी है, कंपनी छोड़ो, फैक्ट्री पकड़ते हैं। ये क्या है? फैक्ट्री है, ठीक है। अब उस फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जगह ये है, यहां पे सुपरवाइजर की जगह फिक्स कर दी है। नाउ वर्कर्स जितने भी हैं फैक्ट्री में, उनको सबको पता है, अगर मुझे कोई इश्यू है, मुझे कोई चीज के बारे में सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है, कोई रिपोर्ट देनी है, तो मैं सुपरवाइजर की डेस्क इस जगह पे है, मैं जाऊंगा, उनको बता दूंगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इससे क्या हो रहा है कि वर्कर्स और सुपरवाइजर के बीच में उनका काम नहीं रुक रहा है, वो सब एक ऑर्डर तरीके में अपने काम तो कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डिसिप्लिन, एक ऑर्डर लाइन मेंटेन है कंपनी में। क्लियर है? समझ में आया?
इससे ना कंपनी का जो काम है ना बहुत एफिशिएंसी के साथ होता है, समझा। नाउ नेक्स्ट, दूसरा आई मीन टू से 11th सिद्धांत क्या है? इक्विटी। इसका मतलब, चलो अच्छा फॉर एग्जाम्पल समझते हैं पहले। दो जन, दो लोग आए कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। एक थी लड़की और एक था लड़का, बंटी और बबली, ठीक है। अब ये भी एमबीए था, आई मीन ये भी एमबीए थी और ये भी एमबीए था, दोनों की क्वालिफिकेशन एक जैसी थी, ठीक है। दोनों का पास एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया रहा है, ठीक है। मैनेजर के पास गए, मैनेजर ने दोनों को हायर कर लिया, क्यों? क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन भी बढ़िया थी, दोनों का पास एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था। लेकिन मैनेजर ने यहाँ पे सोचा, एक काम करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि लड़की आगे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से मैं उसको सैलरी ना 50,000 ही देता हूँ। कितना देता हूँ? 50,000 ही देता हूँ, इतना इनफ हो जाएगा। और लड़का, मुझे ऑब्वियसली उसको लग रहा है लड़का तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, एक काम करता हूँ उसको 75,000 देता हूँ। यहां पे मैनेजर ने क्या किया है बताओ? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब उनका कोई जॉब, ये जो जिस बेस पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है ना, इससे कोई भी उनके काम में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना काम का कोई रिलेशन। ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इन्होंने शो की है ना मैनेजर ने, इसका उस काम से कोई रिलेशन नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? लड़की भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लड़का भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इनका डिस्क्रिमिनेशन सही है या गलत है? गलत है। तो फयाल बाबा क्या कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और लैंग्वेज, ये सारी एक्सटर्नल फैक्टर या डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर से आप अपनी कंपनी में जुड़ने वाले लोग या जुड़े हुए लोगों के साथ अलग डिफरेंशियल बिहेवियर करते हो, दैट इज नॉट राइट। कंपनी में सबॉर्डिनेट और मैनेजर के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए। मैनेजर का बिहेवियर टुवर्ड्स एवरीबडी हु एवर ही और शी इज इक्वल होना चाहिए। दोनों, इस केस में ये वाली बंदी और ये वाला बंदा, बंटी और बबली, दोनों एक ही जॉब के लिए आ रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब के लिए थे ना। हाँ, ये अलग बात होती कि भाई इनका औहदा अलग है, अगर सपोज ये जनरल मैनेजर के पोस्ट के लिए आ रही हैं और ये लोअर मैनेजर के पोस्ट के लिए बंदा आ रहा है, तो अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते तो मैं मानती, समझती मैं। लेकिन दोनों सिमिलर जॉब के लिए आ रहे हैं, तो आपने डिफ्रेंसिएशन उनके जेंडर के बेस पे किया, विच इज नॉट राइट, क्लियर। तो मैनेजर का बिहेवियर सबकी तरफ इक्वल होना चाहिए, इक्विटी के साथ होना चाहिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स। समझ आया? क्लियर है? अच्छा, इक्वालिटी के साथ, इक्विटी के साथ अगर कोई भी मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को ट्रीट करता है, तो कंपनी में लॉयल्टी मेंटेन रहती है, कंपनी में कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन रहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड एनवायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं? क्लियर है? समझ आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट सिद्धांत क्या बोल रहा है? ये जो बंटी बबली कंपनी ने सिलेक्ट किया था, अब चलो नाम दे देते हैं इनको, बंटी और इनको बबली। कंपनी ने इनको सिलेक्ट कर लिया, अभी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड इनका खत्म हो चुका है। नाउ अब जब ये एक्चुअल फील्ड पे काम करने पे उतरे ना, तब पता चला कि बंटी बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, बहुत स्लो काम करता है, ठीक है। तो इनका डिसाइड हुआ, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई बंटी को निकाल देते हैं, इसके बजाय किसी और एमबीए को रिक्रूट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, ऐसे तो चल नहीं पाएगा।
इसी मैटर पे फ्योल क्या बताते हैं कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. क्या बताते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जो लोग, जो भी एम्प्लॉयज कंपनी के साथ जुड़ते हैं, आपको उन्हें वक्त देना है. वो भी आपको वक्त दे रहे हैं ना, वो भी कंपनी को वक्त दे रहे हैं, तो कंपनी को भी उन्हें वक्त देना है ताकि वो एम्प्लॉयज कंपनी के एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करें, एडजस्ट कर पाए, वो समझ पाए कि कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है. जिस हिसाब से वो अपना वर्किंग, काम करने का तरीका बदल पाए, कंपनी से रिलेट कर पाए, कंपनी से जुड़ पाए, कंपनी से कनेक्ट कर पाए. क्योंकि अनटिल एंड अनलेस एनी पर्सन इज कनेक्टेड टू समथिंग, वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाएगा. और कोई भी एनवायरमेंट को, कोई भी नई जगह में एडजस्ट होने में टाइम लगता है. तो अगर आप वो टाइम पीरियड उनको नहीं देते और उनको निकाल देते हैं, आप दूसरे इंसान को रख लेते हैं, तो कंपनी का नुकसान है उसमें. क्यों? क्योंकि आप किसी नए इंसान को रखोगे, नए इंसान को पूरे प्रोसीजर से गो थ्रू करना पड़ेगा, रिगरस प्रोसीजर से. मतलब ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि कंपनी का बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है रिक्रूट करने का किसी भी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉय को. तो आपको वो प्रोसेस या वो प्रोसीजर पे खर्चा करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, टाइम वेस्ट होगा. ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. उस पे आप ट्रेनिंग उसको दोगे, फिर वापस अगर उसको आप उसका आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी से उसको जुड़ने में, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगा तो क्या? तो इससे बेटर तो आप फिर वापस वही डिसाइड करो कि भाई इसको अपन निकाल देते, किसी और को हायर कर लेते. इससे बेटर तो वही है कि जो हमने बंटी को ना ही निकालते, उसको थोड़ा और टाइम देते कंपनी के साथ जुड़ने का. किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप कुछ टाइम दे दो तो वो भी समझता है, वो धीरे धीरे आपके साथ जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है ना. तो देयर शुड बी स्टेबिलिटी, एक बैलेंस होना चाहिए, एक स्थिरता होनी चाहिए एम्प्लॉय के टेन्योर में, मतलब पीरियड ऑफ वर्किंग में. समझा? क्लियर है? ये वाली प्रिंसिपल अपने दिमाग में एकदम बैठ चुकी है. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. 13th प्रिंसिपल क्या कहता है? इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मतलब पहल करना. इनिशिएटिव मतलब पहल करना. ये जो मैं लिख रही हूं हिंदी में, जो मैं कह रही हूं, प्लीज उसको नोटबुक में कहीं ना कहीं साइड में ब्रैकेट में लिख लो अपने रेफरेंस के लिए. ठीक है, इनिशिएटिव ये जो सिद्धांत है, फेयॉल क्या कहते हैं कि आपके, आपकी कंपनी में जो जुड़े लोग हैं, आपकी कंपनी में जुड़े जो एम्प्लॉयज हैं, उनको अपना फील करवाओ, उनको अपना फील करवाओ, उनकी जो आइडियाज हैं उनको थोड़ा कंसीडर करो. वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस माइंडसेट से आपको अप्रोच कर रहे हैं, उनके आइडियाज आप तक अप्रोच कर रहे हैं, उसको कंसीडर करो. क्या पता आपकी कंपनी उस उनके आइडियाज से ऊंचाई पे पहुंच जाए. समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा, ये जो एम्प्लॉयज है ना, ये अपनापन महसूस करेंगे कंपनी के साथ. उनको भी ऐसा लगेगा कि आई बिलोंग टू दिस कंपनी, इट इज नॉट, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, आई बिलोंग टू दिस कंपनी. तो ये उनके लिए इंप्रूवमेंट हो जाएगा टूवर्ड्स देयर कमिटमेंट टू द कंपनी, है कि नहीं. तो आप ऐसा कर सकते हो कि कंपनी में आप सजेशन सिस्टम रख लो, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, जिससे अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई भी आइडिया या कोई भी सजेशन कोई भी मैटर में, कुछ भी डिसीजन में देना चाहता है, तो अपना खुल के ओपन माइंडेड से, ओपन माइंड से दे सकता है. और कोई भी एम्प्लॉय ने अगर आपको कंपनी में बहुत अच्छा सजेशन या आइडिया दिया है, तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उनको रिवॉर्ड करो, ताकि वो खुश हो और उससे बाकी जो एम्प्लॉय है वो भी एनकरेज हो, मोटिवेट हो कि भाई वाओ यार, मतलब कंपनी हमारे बारे में कितना सोच रही है, हमारे आइडिया को कंसिडर कर रही है, मेरा नाम कहीं ना कहीं मेंशन कर रही है, मेरा नाम हो रहा है, मेरी गुडविल हो रही है, मेरी रेपुटेशन हो रही है, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए. कंपनी तो मेरी खुद की है, कंपनी तो अपनी है. समझ में आ रहा है? उनको आप खुश कर दो, वो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कंपनी से जुड़ने की कमिटमेंट, आपकी कंपनी में काम करने का जो कमिटमेंट है उनका बढ़ जाता है. क्लियर है? ये हमने कहां सीखा? इनिशिएटिव. 13वां सिद्धांत है ये. समझा? नेक्स्ट का 14th प्रिंसिपल. 14th प्रिंसिपल क्या है? एस्पिरिट दे
कॉर्प्स, क्या बोल रहे हो मैम, क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ? कोई बात नहीं, रुक जाओ 2 मिनट. ओके, वंस अगेन रिपीट. एस्पिरिट दे कॉर्प्स, इसका फ्रेंच में मीनिंग होता है स्पिरिट ऑफ बॉडी. स्पिरिट ऑफ बॉडी. अच्छा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी योर, इसका इंडिविजुअल बॉडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है. समझ लो फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री यूनिट, या तो स्पोर्ट्स टीम, या तो बिजनेस यूनिट, क्योंकि बिजनेस यूनिट में भी तो बहुत सारे लोग एक साथ आके एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है. अब इस लास्ट प्रिंसिपल में पंडित फियोल क्या कहते हैं? पंडित फियोल कहते हैं इस चीज को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये है हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, पीएम, प्रोडक्शन मैनेजर. ओके, इनके पास टारगेट, इन्होंने अपने जो सबॉर्डिनेट है ना, इनको 30 यूनिट बनाने का काम दिया. कितने? 30 यूनिट्स बनाने का. इनके सबॉर्डिनेट हैं 3 लोग. कितने? 3 लोग, ए बी एंड सी. ये रहे ए, ये रहे बी और ये रहे सी. अब 30 यूनिट कैसे डिवाइड होगा? ये वाले जो ए हैं वो 30 10 बनाएंगे, जो बी हैं वो 10 यूनिट बनाएंगे, और जो सी हैं वो 10 यूनिट बनाएंगे, है ना? ओके, क्या हुआ? ये जो सी थे ना, क्योंकि इनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा था, इनको हो गया कोरोनो वायरस. इनको क्या हो गया? कोरोनो वायरस. तो तुम मुझे बताओ, क्या ये अब अपने 10 यूनिट बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो पूरी कर सकते हैं? नहीं. तो कंपनी में कितने यूनिट प्रोड्यूस हो पाएंगे? 30 नहीं, 2. दो नहीं, आई मीन 20. 30 नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे, 20 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाएंगे. तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि टारगेट क्या था? 30 यूनिट बनाना. लेकिन इनको तो फीवर हो गया, इनको तो कोरोना वायरस हो गया, तो वायरस होने की वजह से ये तो 10 यूनिट बना ही नहीं पाए. तो इनका तो तुम हिसाब निकाल ही दो, तो कितने बन पाएंगे? 20 यूनिट. अब वो 10 यूनिट कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कस्टमर आके बनाएगा क्या वो 10 यूनिट? नहीं ना. तो इस प्रिंसिपल में पंडित फियोल बोलते हैं कि आपको हमेशा आपकी कंपनी में टीम स्पिरिट पैदा करनी है. क्या पैदा करनी है? टीम स्पिरिट. आपस में जो टीम है उनके बीच में एक लगाव होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए केयर होना चाहिए. अब तो मुझे ये बताओ, अगर ए बी और सी, ये जो टीम है, इसके बीच में एक प्यार होता है, एक लगाव होता है, एक मतलब आपसीपन होता, तो सी अगर बीमार पड़ गया तो ए और बी बोलते ना इसके पास जाके, बेटा कोई बात नहीं, तू मेरा यार है, तू बीमार पड़ा है, तू टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा काम करूंगा. क्या बोलते? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, मैं तुमको तुम्हारे काम को ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा कंप्लीट काम मैं करूंगा. एक काम करते हैं, ए को 5 यूनिट ए बना लेगा, 5 यूनिट मैं बना लूंगा. बी बोलता है 5 यूनिट मैं बना लूंगा और 5 यूनिट ए बना लेगा, ऐसे तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा. अब तो मुझे ये बताओ, जैसे ही टीम स्पिरिट आई प्रोडक्शन यूनिट में, जैसे ही टीम स्पिरिट आई, क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल हिट हुए? इंडीड. सी को कोरोना वायरस हो गया है, सी अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, 10 यूनिट वो नहीं बना रहा है, लेकिन उसके बजाय कोई और तो उसके लिए खड़ा है ना. कौन खड़ा है यहां पे? ए और बी. ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे ऐसे नहीं तो वैसे. इसीलिए टीम स्पिरिट आपको आपके कंपनी में बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप मतलब क्या होता है, मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशन तो अच्छे ही होते होते हैं, इनफैक्ट एम्प्लॉयज के बीच में भी रिलेशन अच्छे से मेंटेन होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल हिट नहीं होते, मतलब उनको धक्का नहीं पहुंचता, कुछ ना कुछ करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाते हैं, टारगेट टाइम पे कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? टीम स्पिरिट, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में मेंशन होने चाहिए ये प्रिंसिपल के अंदर. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो डायग्राम वाइग्राम बना के लिया है, ये जो वर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, जो मैं कह रही हूं, कुछ भी, हर जो चीज छोटी बड़ी लिख के लो अपनी बुक में. अपनी बुक को ना ऐसे कोरी मत रखो, लिखो. ओके,